जय श्री राम दोस्तों दोस्तों, अयोध्या में आज है मेरा तीसरा दिन। बहुत ही ज्यादा ठंडी है, आज कोहरा है और हमारे साथ पुलिस जी भी है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ठंडा है, आज कोहरा है, मजा आ रहा है। और मेरे पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर है और देख सकते हैं। बहुत ठंडी आज। तो दोस्तों, अभी अयोध्या नगरी में ही घूम रहा था मैं, जा रहा हूँ मेरे पंडित जी के घर पे, बुलाए हैं मुझे प्रसाद देने। यहाँ पे बन रहा प्रसाद, गुलचन का पेड़ा बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, खोआ का है ना। कैसा किलो रहता है ये? 480। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देसी घी का लड्डू बन रहा है। ये देसी घी का लड्डू है हाँ। तो दोस्तों ये है राम मंदिर, मंदिर वही बन चुका है और ये मैं हूँ। ठंडी का वक्त है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, इसके वजह से दिखाई नहीं दे। चलो जाए। हाँ, दे दिए गाड़ी। हाँ दे दिए, उनको जाना था ना, उनके थे कि जल्दी चला जाए, निकाल के आ जाए। हाँ, उनके अंदर भंडारा नहीं पाया। हाँ, और ये क्या नाम है, बैंक वाला भी काम नहीं हो पाया। तो बहुत नसीब वाले को मिलता है प्रसाद। तो दोस्तों देख सकते हैं अयोध्या का, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मेरा हाथ जम रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ अब मावा राम मंदिर के पास। इस देखो, घोड़े से सिक्योरिटी कर रही है। तो दोस्तों ये वही मूर्ति है, जब 8 तारीख को यहाँ पे मूर्ति का स्थापित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, देख सकते हैं। खाना खाने का लाइन है बाबा राम मंदिर में। तो देख सकते हैं दोस्त ने तो पूरा टैटू बनाया है। अरे वाह, सही बनाया दोस्त। क्या नाम है? मयंक। कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई में किधर? मुंबई में सीवूर। सीवूर, अरे वाह, अच्छा बनाया टैटू यार, भगवान राम का बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा है, चलो। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है मुझे। अरे वाह वाह वाह, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही फेमस है इंडिया में, उनके शिष्य है ये। चलो ठीक है, जय श्री राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम भक्तों को प्रसाद बांटा जा रहा है। यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, सबको बिस्किट दिया जा रहा है फ्री में। पूरा रोड को साफ किया जा रहा है, मतलब क्लीननेस के मामले भी बहुत आगे बढ़ चुका है अयोध्या। तो दोस्तों देख रही है राम मंदिर का, ये पीछे साइड का गेट है, इसी गेट से प्रधानमंत्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एंट्री हुआ था और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी एंट्री हुआ था। जैसे कि आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल सजाया है, ओम ए प्रभु श्री राम। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ कोठारी बंधु के घर के पास, जो 1990 में जिन्होंने गोली खाई थी दोनों बंधु ने। तो ये वो है, देख सकते हैं, ये दो भाई है, इनकी गोली लगी थी 1990 में कार सेवा के टाइम, देख सकते हैं। राम शरद कोठारी स्मृति सन कलकत्ता। जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा बनाया गया। तो कोठारी बंधु के जो फैमिली वाले हैं, यहाँ पे लोगों को फ्री में चाय बिस्किट बांटा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। राम भक्तों को फ्री में चाय बिस्किट दिया जा रहा है। तो अभी कर लिया मैंने शाम के वक्त वापस दर्शन, बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। जय श्री राम, हमने लहरा दिया। हमारा दर्शन हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर होटल पे, वहाँ पे या तो कल जाना रहेगा घर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग कितने खुश नसीब है, हमारा जो पीढ़ी है कितना खुश नसीब है जिसने मंदिर बनता हुआ देखा है। जब मैं 2021 में आया था तब मंदिर बन रहा था तो मेरे आँख में आंसू आ गए थे और आज भी है, लेकिन खुशी के आंसू थे वो। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी मैं हमारे भाई रंजन भाई की दुकान में था, तो आप लोग कभी भी आओ रंजन भाई के यहाँ दुकान से लो,
मिठाई तो आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिलेगा और यहाँ का बहुत ही फ्रेश माल रहता है। जैसे कि जय श्री राम, पेड़ा मिल जाएगा, देसी घी का लड्डू और बेसन का लड्डू मिलता है यहाँ पे। क्या क्या कैसे किलो? देसी घी का 400 रुपये के जी आएगा, पेड़ा आएगा 500 रुपये के जी और नॉर्मल रिफाइन का लड्डू आएगा 240 रुपये के जी। तो ये देख सकते हैं सब लड्डू है, बाकी सब तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये पेड़ा मेरे को बहुत टेस्टी लगा, ये खाया था। तो ये श्री कमल भोजन के सामने आप आए श्री बालाजी भोग प्रसाद में। जय श्री राम।